नमस्कार, मैं राजेश पोरखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय ठीक परेड ग्राउंड पर खड़ा हूं और परेड ग्राउंड पर एक बार फिर से युवा हुंकार भर रहे हैं, लेकिन आज की खबर विशेष रूप से आपके लिए है। इस खबर को आप मात्र खबर न समझें, ये खबर खबर नहीं है, ये कोई ऐसी कोई आयोजन नहीं है जहां युवा पहुंचे हुए। ये सवाल है उत्तराखंड के उस युवा के भविष्य का जो बार बार लगातार इस सरकार को चेता रहा है, लेकिन सरकार चेतने को तैयार नहीं है। और इस समय अगर मैं बताऊं आपको तो इस समय ये चयनित अभ्यर्थी हैं, आंसू लिपिक वैकल्पिक सहायक वाले LT वाले चयनित छात्र हैं और इनके साथ अन्य काफी संगठन है। ये देखिए, निर्वाधित भर्ती, इंटरमीडिएट, क्लर्क, 750 अभिलेख सत्यापन कर, मतलब लब्बो लबाब ये है कि इस समय BDO BPDO भर्ती के बाद में जो घोटाला हुआ है उसके बाद में एक अजीबोगरीब स्थिति उत्तराखंड में पैदा होगी है। उत्तराखंड का युवा समझ नहीं पा रहा है कि मेरे भविष्य का क्या होगा, जबकि सरकारों का भविष्य सुरक्षित है, लेकिन ये युवा अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सर विकास पंत है और मैं नैनीताल जिले से आया हूँ यहाँ जी। देखिए, आज हम यहाँ सब इसलिए उपस्थित हुए हैं कि पूर्व में कुछ दिनों पूर्व ही आयोग ने एक पत्र जारी किया जिसमें मुख्यतः LT कनिष्ठ सहायक और स्टेनो के जो अभ्यर्थी थे उनकी निरस्ती की सिफारिश की जा रही है शासन से, और जिसका आधार बिल्कुल ही निराधार है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक जिला विशेष से बच्चे निकले हैं। कि भैया, हम बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि पहाड़ी जिलों के मुकाबले मैदानी जिलों में ही बच्चा पढ़ने आता है। क्या वो देहरादून में आगे नहीं निकलेगा? क्या वो रुद्रपुर में आगे नहीं निकलेगा? जसपुर में आगे नहीं निकलेगा? नैनीताल में आगे नहीं निकलेगा? तो कहाँ से निकलेगा? मुंशारी क्षेत्र से निकलेगा क्या? तो क्या वो उत्तरकाशी क्षेत्र से निकलेगा क्या? स्टेनो एक ऐसा परीक्षा है जिसमें जो सिर्फ मात्र 3 चरणों में होती है। पहला चरण होता है लिखित का, दूसरा चरण होता है टंकण का, तीसरा चरण होता है आशुलेखन का। इतनी कठिन चरण के बाद एक आशुलेखन की नियुक्ति होती है, ये शासन ने ये बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है सारी। शासन पे मैं बाद में आऊंगा, यहाँ के मुख्यमंत्री युवा है, वो छोटे छोटे चाय की दुकान में जाके चाय पी रहे हैं, फोटो सोशल मीडिया में डाल रहे हैं जी। क्या आप युवाओं को लग रहा है कि कभी वो आप युवाओं से बात करने आए हैं? देखिए, हम तो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से ठगा महसूस कर रहे हैं कि भाई देखिए, अभी तक हमारी भर्ती में कोई विवाद नहीं था, कोई कुछ नहीं था। इन्होंने जानबूझकर ये निकाला है कि हम एक आनुपातिक जिला, कोई भाई क्षेत्र विशेष का कोई एक हो सकता है, हम मान सकते हैं, एक कहीं गांव विशेष का हो सकता है, परिवार विशेष हो सकता है, लेकिन कभी भी कभी एक जिला विशेष हो सकता है क्या? बच्चा जिला में कितना तैयारी करता है? उधम सिंह नगर एक ऐसा जिला है जिसमें स्टेनो के बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे के लोग हैं, सबको मुझे सुनना है और बराबर सुनना है। मैं सरकार नहीं हूँ जो इनके साथ भेदभाव करूँ। मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा हूँ, मेरे लिए हर व्यक्ति उत्तराखंड का महत्वपूर्ण। एक भूली है यहाँ, आप कहाँ से हैं? मैं देहरादून से ही हूँ। क्या मामला है आप लोगों का? जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आशुलिपिक व्यक्ति सहायक में हम चयनित अभ्यर्थी हैं और आप देख रहे हैं सरकार ने, मतलब आयोग ने क्या संवाद निकाल जारी किया है परसों, जबकि हमारा जो है निर्विवादित है, उसके बावजूद भी जो है सरकार ने, मतलब आयोग ने जो है हमें हमारे जो मामले को है जो है विवाद में डाल दिया। क्यों डाला है, किस लिए डाला, हमें जवाब दे सरकार, इसलिए हम आज यहाँ खड़े हैं। चलिए, जवाब दे सरकार। यकीन मानिए, सरकारों के पास जवाब नहीं है और जवाब तलाशने के लिए हम भी पहुंचे हैं। उत्तराखंड के ये तमाम युवा हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, ये जवाब ढूंढने के लिए आए हैं। इस बैच में भी आऊंगा जी। क्या समस्या है सर? मैं एक LT चयनित छात्र हूँ और ये तमाम सब चयनित छात्र हैं यहाँ पे, लगभग 1000 युवा आज यहाँ पे पहुँच चुके हैं। उनका यहाँ पे पहुँचने का सिर्फ एक ही मकसद है कि सरकार निर्विवादित विषयों को भी रद्द करने पे लगी हुई है। मेरी समझ में ये नहीं आता है, जिन विषय पर कोई भी विवाद नहीं है, जो विषय पूरी अच्छे तरीके से हो रखे हैं। मैं LT की बात करता हूँ, LT पेपर एक ऐसा पेपर नहीं है, उसमें 3 पेपर होता है, एक BEd का पेपर होता है, उसके बाद वहाँ निकलते हैं हम लोग, उसके बाद UTET CTET का पेपर होता है, उसके बाद हम LT के पेपर में बैठते हैं। तो मैं सरकार और अपने सचिव से पूछना चाहता हूँ, आप किस बेस पे इस भर्ती को रद्द करेंगे? आप 3 पेपर देके यहाँ पे आते हैं, हमारे साथ आंसू लिपिक है, हमारे साथ कनिष्ठ सहायक के लोग हैं, और इन हमको STF 2 बार कह चुका है कि आपकी भर्ती में कोई भी किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, आपकी भर्ती पूरी करवाई जा सकती है। परंतु हमारे UKSSC के सचिव कहते हैं, वो अपने पत्र में लिखते हैं कि इन भर्तियों को रद्द किया जाना चाहिए। अरे सचिव साहब, आपको वहां पर एक वो हमने वहां
इसलिए बैठाया है, सरकार ने आपको इसलिए बैठाया है कि आप अच्छा निर्णय ले, आप इन चैनलों के छात्र में निर्णय ले, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो आपको वहाँ से इस्तीफा देना चाहिए, कोई दूसरा सचिव वहाँ पे आए जिससे चलिए दूसरा सचिव भेजना चाहिए। और ये दूसरे ही सचिव हैं जो आए हुए हैं, थोड़ा मैं आपको दूर से दिखाना चाहूंगा, एक बार कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार दिखाएं, ये वो सारे बेरोजगारों की बस्ती है। अरे सारे ही बेरोजगार हैं यहाँ, मैं किस किस के पास जाऊँ? आप सब लोग अपने मुख्यमंत्री के पास क्यों नहीं जाते हैं? सर हम जो है हमने सीएम से भी मुलाकात करने की कोशिश की है, लेकिन उनका साफ निर्देश था जिन भर्तियों में विवाद है उन्हें आगे बढ़ा जाए, वो सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो अब इस पे काम भी करे। हम कनिष्ठ सहायक 746 के छात्र ये मांग करते हैं कि जिन भर्तियों में कोई विवाद नहीं है, खासकर हमारी भर्तियों में कोई भी अभी तक विवाद की पुष्टि नहीं हुई है, इसको जो है शीघ्र से शीघ्र आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। अब आप देखिए, एक मिनट आपने हमें दिखाने की कोशिश की, सर मैं कहना चाहता हूँ, एक मिनट मैं आता हूँ, एक मिनट पहले महिला को ले लो, इनकी गोद में बच्चा है, तीन साल, अरे इनकी गोद में बच्चा है, पहले इनसे सुन लूं भाई। यहाँ बच्चे बूढ़े और जवान सभी पहुँचे हैं, भाई लोग नाराज ना हुए, मैं सबकी सुनूंगा भाई, लेकिन जिनकी गोद में बच्चा है इनको भी सुन लूँ। आप कहाँ से आए? जी मैं रानीखेत तहसील से आई हूँ, धारड़ गांव से आई हूँ, और मैं यहाँ बीजेपी की जो ये हमारे साथ हो रही है घटना, इसकी वजह से मजबूर होके आई हूँ। हमें बहुत उम्मीद थी कि हमें ज्वाइनिंग मिलेगी, हमने इतनी मेहनत की, इतना टेस्ट क्वालिफाई किया। अरे एक मिनट हल्ला करोगे मैं बंद कर दूंगा, एक मिनट रुक जाओ यार, सुनने तो दो, सरकार नहीं सुन रही आपकी, कम से कम यहाँ तो सुनने दो। हमें बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत मजबूर किया है, हमें इतना मजबूर किया है, इतना मेंटल टॉर्चर किया है कि आज मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर के यहाँ पर आई हूँ। बताइए एक छोटे से बच्चे को लेकर के उतने दूर से यहाँ आना, कितनी हमें मुश्किलें हुई होंगी रास्ते में, और हमें इतना मजबूर किया गया है, बताइए। मजबूर किया गया है, बोला बीच में ना जाओ यार, ऐसा मत करो। चलिए थोड़ा ये तमाम जो लोग हैं, हर एक के मन में पीड़ा है, कांगे वो भाई नाराज हो गए थे मेरे से, गुस्सा भी करते हैं मेरे पे, अगर इतना गुस्सा आपने सरकारों पे दिखाया होता तो शायद आपकी वो सुन लेते, मैं तो सुन ही लूंगा कभी ना कभी। ये थोड़ा थे वो एक और भाई है नाराज होकर चले गए थे, क्या मूल समस्या क्या है? सर मूल समस्या ये है कि आज आप देख रहे हैं कि कितना रोष उत्पन्न हुआ है, ये तो देख ही रहा हूँ भुला, ये रोष सर सिर्फ एक लेटर की वजह से है। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, फिर से क्यों पूछ रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री थोड़ा हूँ, सरकारों से पूछिए। सर हम ये बताना चाह रहे हैं आपके माध्यम से, उन लोगों को भी बताना चाह रहे हैं जो आज आने वाले कल के टाइम पे भी हमारे मार्गों पे चलेंगे या खड़े होंगे, हम उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना एक बयान दे दिया है कि जितनी भी भर्तियों का परिणाम निकल चुका है वो किसी भी हाल में रद्द नहीं होंगी, उसके बाद से हमारे पास ये बोला जा रहा है कि हमारी जांच कार्मिक विभाग को है, किसी को भी है, उसका कोई रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया है, तो हम ये बोल रहे हैं कि सचिव सर ने किस अधिकार से, किस हक से ये लेटर शासन को दिया है, क्या उनको मुख्यमंत्री जी पे भरोसा नहीं है? आपको भरोसा है मुख्यमंत्री पे? सर हमें तो पूर्ण रूप से भरोसा है, ये हमें उन पे इतना भरोसा है। एक मिनट रुके, आपको सरकार पे भरोसा है? जी हमें दामी जी पे, तो सचिव है, इनकी नियुक्ति किसने करी है? देखो इनकी, एक मिनट सवाल का जवाब तो दो, इनकी नियुक्ति जो है सरकार ने की है। सरकार ने की है ना, सरकार के द्वारा नियुक्त किए हुए सचिव आपके लिए एक लेटर निकाल रहे हैं, उनका किसी भी सचिव की इतनी पावर नहीं है कि वो बिना सरकार के और बिना मुख्यमंत्री के संज्ञान के कोई मामला निकाल दे। जी हमें सर अभी भी विश्वास है सरकार पर, लेकिन हम उसी लेटर के विरोध में कि सरकार जब दामी जी ये कह रहे हैं कि निर्विवादित भर्तियों को आगे बढ़ाया जाए, तो आप सचिव के माध्यम से वो लेटर क्यों हो करे, कभी कह रहे कि इन भर्तियों को आगे बढ़ाया जाए, तब तक तो लड़के ठीक है, फिर जो कह रहे कि भाई रद्द कर जाए, तो लड़कों में एक जो है मानसिक अवसाद पैदा हो रहा है। हम चाहते कि जो आप बातें कर रहे हैं मुंह से कि इनको आगे बढ़ाया जाए, उसको धरातल पर लाए, और इन भर्तियों को जिनमें विवाद नहीं, खासकर हमारी मुख्यतः तीन भर्ती है जिनमें अभी तक कोई जांच भी नहीं चल रही है, आयोग ने कहा कि इसका जो है सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी ऑडिट कराएंगे हम, उसके बाद जो है हम आपका जो है परिणाम निकालेंगे और डीवी कराएंगे। अगस्त से यही कह रहे कि अभी 15 दिन रुको, फिर सितंबर में ये कहा कि फिर 15 दिन रुको, अक्टूबर में कह रहे कि सॉफ्टवेयर ऑडिट करा रहे, तो ये जो बहाना है ये नहीं चलेगा। मैं आयोग के कर्मचारियों को कहना चाहता कि आयोग के कर्मचारियों को मत कहिए, आप सीधा युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से बात कीजिए, आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप हमें बातों पे मत उलझाओ, सरकार भी छोड़िए, आप सीधा मुख्यमंत्री से बात कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं, संकोच क्यों है? हमने सर धामी जी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है जो बातें कर रहे हैं आप जो है बातों में मत लाए, उसे धरातल पे उतारे, और सबसे पहले आप जो है निर्विवादित भर्तियों को आगे बढ़ाइए जिनमें कोई विवाद नहीं है। पुष्कर सिंह धामी जी, आप ही ने कहा है कि आप युवा हैं, आप धाकड़ हैं, वो आप कैसे धाकड़ हैं?
मान लीजिए कि बहुत सारी की चीजें वीडियो बीपीडीओ में चल रही है, जांच भी चल रही है, लेकिन जो चयनित हो चुके हैं उनका क्या दोष है, उनकी क्या गलती है? आपका कोई विधायक चुन के आ जाता है तो क्या आप उसे पेंडिंग में डाल देते हैं? नहीं डालते हैं ना। ठीक उसी तरह ये भी गुस्से में, और इनका गुस्सा मुझे सामना करना पड़ रहा है, आपके कारण मुझे गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। आ जाइए, ये गुस्से में थे थोड़ा ना, अच्छा आप नहीं थे, नहीं नहीं सर, सभी आक्रोश में हैं बिल्कुल। और इन सब का गुस्सा मेरे पे ज्यादा निकल रहा है। हाँ, इधर से भी आवाज आ रही है थोड़ा। और कुछ है मैडम, कुछ कहना चाह रही है? सर, 3 साल से हमारी भर्ती, 3 साल कंप्लीट हो गया हमारी भर्ती को, फिर भी उसमें मुख्यमंत्री मतलब आयोग के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा, सरकार के द्वारा इसको बार बार ही डिले किया जा रहा है। हम बहुत बार आयोग भी जा चुके हैं, वहाँ पे हमेशा यही। कौन सा वाला हुआ है आपका? सकनी सहायक है। कुछ नहीं हो रहा है, लगातार मैं आप लोगों के इनके धरने लगातार कवर करता हूँ। कईयों को जो धरने जाना ही छोड़ दिया है मैंने, इतने मजबूर हम भी हो गए। हम इनके समस्याओं का पिटारा लेके जाएं कहाँ? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाएं? हम लास्ट में, जब अपना मुख्यमंत्री नहीं सुनेगा इनकी, क्या करेंगे आप लोग? सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं, कौन सी जांच ऐसी है जो कि सिर्फ इन्होंने एक दिन लिया और ये सिर्फ ये नोटिस जारी कर दिया, उसके अंदर हमारी अगर स्टेनोग्राफी की अगर तुमने जांच की होती तो तुम्हें पता होता 162 पदों में से सिर्फ 110 पदों पर हमारे बच्चे मिले हैं। तो ऐसा कौन सी जांच है जब तक तुम्हें यही नहीं पता चले किस जिले में कितने बच्चे चुने जाते हैं, कौन सा स्टेनोग्राफी का हब है? जब तुम्हारी इतनी ही जांच नहीं पहुंच पा रही तो 6 महीने का किस बात का दिलासा दिया जा रहा है? ये निष्क्रियता को ही दर्शाता आयोग की। तो हमें यही कहना है कि हमें ये इतनी जो हमें लटकाया जा रहा है ये मात्र तुम्हारे ही खिलाफ हो रहा है, और हम लोग कभी भी इस चीज के लिए नहीं स्वीकार करेंगे इसको, और अपनी नियुक्ति को लेकर ही रहेंगे। चलिए, नियुक्ति को लेकर ही रहेंगे। विधानसभा बैकडोर भर्तियों पे बहुत खेल हुआ है भाई। सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी बनवाई, उसके बाद उस कमेटी की रिपोर्ट आई, कुछ लोगों को बाहर कर दिया, उसके बाद कोर्ट ने उन्हें बहाल कर दिया। सब कुछ हो रहा है उत्तराखंड में। और ये देखिए, ये महिलाएं अब ये निकली हैं यहाँ से, ये यहाँ से निकले हैं इस समय मुख्यमंत्री आवास कूद करने के लिए। तमाम जो लाइन है थोड़ा और यहाँ से आप देखिए, दूर तक आप देखिए, ये लाइन है। पूरी लाइन आप देख रहे हैं, ये तमाम वो छात्र हैं, उत्तराखंड का भविष्य हैं, जो आज यहाँ चिल्ला रहा है, सड़कों पर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अपने लिए आवाज उठा रहा है, लेकिन सरकार और सरकार के नुमाइंदे फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि सुनने को तैयार नहीं है। तो ये देखिए गौर से, थोड़ा सा पूरा दृश्य दिखाएं कैमरामैन को, कहूँगा मिल गए। अरे मिल गए, अरे ये नाराज हो गए थे मेरे से, ये मेरे से नाराज होके चले गए थे। मेरे से कोई नाराज नहीं रहना चाहिए जी। अच्छा, क्या समस्या है सर? समस्या ये है, पहले तो आपका धन्यवाद, आप हमारी आवाज को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा रहे हो, और मेरा मुख्यमंत्री जी के छवि पे कोई संदेह नहीं है। मुझे पता, युवा मुख्यमंत्री है, ईमानदार है और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है। लेकिन सर, मेरा जो हमारा UK SSC है, उनके सचिव जी से एक सवाल ऐसे, जो रावत जी हैं, कि सर आप अचानक आते हो और कहते हो कि सब भर्तियों को दोबारा से कराने की प्रक्रिया CM साहब से की जाए, ये सर कौन सा मतलब आपका न्याय है? जब तक अभी तक हम आपसे मिले, आपने कहा 3-4 भर्तियाँ निर्विवादित हैं, जिसमें कनिक सहायक और LT और स्टेनो वाले थे, तो सर अचानक एक रात में आप कैंसिल करने का डिसीजन कैसे ले सकते हो? फिर सर तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भर्ती को 3 साल होने वाली है सर, मानसिक उत्पीड़न हो रहा है सर। मेरा धामी जी से यही रिक्वेस्ट है, अनुरोध कर रहा हूँ कि आप ज्वाइनिंग तो दोगे, आपकी छवि में मुझे शक नहीं है, जल्दी दोगे, लेकिन सर बहुत जल्दी चाहिए, क्योंकि 3 साल होने वाले। 3 साल कम होते हैं बस सर, 3 साल बहुत ज्यादा हो गए, कहीं ये ना हो ये 3 वर्षीय योजना हमारी 5 वर्षीय योजना ना हो जाए, और मोदी जी कहीं 2024 में फिर दोबारा चुनाव जीतने के कगार पर ना पहुंच जाए।
तो मैं यही कह रहा हूँ सर, 5 वर्षीय योजना बहुत बड़ी होती है किसी भी भर्ती की सर, मानसिक उत्पीड़न होता है। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि बहुत जल्दी हमें ज्वाइनिंग दी जाए, बहुत जल्दी से जल्दी सर, अति शीघ्र 1 महीने के अंदर अंदर। फ्रस्ट्रेटेड हो चुके सर, अब तो ये होता है कि समझ नहीं आता क्या करे, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ पहुँच रहा हूँ, ये समझ नहीं आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी चलिए, एक बात तो तय है कि धीरे धीरे सरकार और सरकार के नुमाइंदों से विश्वास उठने के संकेत भी दिखने लगे, तो ये सरकारों को सोचना पड़ेगा कि इस राज्य का युवा अगर सड़कों पे निकला है तो इस राज्य का भविष्य क्या होगा। थोड़ा किनारे आ जाता हूँ मैं, तमाम जो युवा हैं यहाँ से मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे और उसके बाद में ये तमाम जो चयनित छात्र हैं अलग अलग संगठनों में, इधर देखिए सारे ही सारे आगे खड़े हो रहे हैं। अब आप देखिए इधर से बहुत सारी गई है, तमाम जो युवा हैं, सरकारें बड़े गौर से देखिए, आंखें खोल के देखिए, ये सारे युवाओं को देखिए, ये देखिए, ये गौर से इन चेहरों को देख लीजिएगा, इधर को इधर चलता रहना साथ साथ, ये सब ये सारे बेरोजगार गौर से देखिएगा, ये देखिए गौर से देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, गौर से देखिए इन चेहरों को, ये सारे उत्तराखंड के युवा हैं और नारे लगा रहे हैं इस उम्मीद में कि आप सुनेंगे। आपके सचिव पर भी आरोप लग रहे हैं और अब ये बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री आवास की तरफ। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते हैं आगे इनका क्या होगा, कहां तक ये पहुंचेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहे पर्वतवाणी लाइव।